इंदौर जिले में चुनाव आयोग के निर्देशों के चलते लोकसभा चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। 12 मई को मतदान सामग्री बांटने का काम नेहरू स्टेडियम से किया जाएगा, जिसे लेकर मतदान सामग्री को एकत्रित किया जा रहा है। 104 प्रकार की मतदान सामग्री को मतदान दलों को दिया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर जिले में मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण 12 मई को किया जाएगा। इंदौर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं। वहीं नेहरू स्टेडियम में मतदान सामग्री को तैयार करने का काम भी किया जा रहा है। इंदौर जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि विधानसभावार मतदान सामग्री को जमाने का काम किया जा रहा है। 50 से अधिक कर्मचारी इस काम में लगाए गए हैं। मतदान सामग्री को पैकिंग करने का काम निर्वाचन आयोग के निर्देशों तहत ही किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन के लिए जो मतदान दलों को सामग्रियां दी जाएगी, उस सामग्रियों को व्यवस्थित करने का काम स्थानीय नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। लगभग 104 प्रकार की सामग्रियां होगी जो प्रत्येक मतदान केंद्र को दी जाएगी, और ये इसमें से कुछ सामग्रियां हमारे को कमीशन द्वारा प्रदाय की गई है, कुछ सामग्री बाजार से स्थानीय बाजार से परचेस की जाना थी, वो परचेस कर ली है। वो लगभग सभी सामग्री हमारे पास आ चुकी है। उसको जमाने का काम मतदान केंद्र वार विधानसभा वार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 45 से 50 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रत्येक मतदान केंद्र को 104 प्रकार की सामग्री दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।